कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल और चावल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप बगैर सब्ज़ी के ही इसको अचार और चटनी के साथ में दाल चावल खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है 1/2 कप दाल अरहर की, और ये मैंने लिया है 1 कप चावल। चावल आप जो भी आपके घर में यूज़ होता हो डेली यूज़ में, आप वो चावल ले लीजिए। अब इन दोनों को अच्छे से वॉश करके रख लेंगे। ये देखिए, चावल और दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है, आधा घंटा हो गया उसको। चलिए अब बनाते हैं। ये देखिए, एक प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। अब इसको दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले हम इसको इसमें दाल में बॉयल आने देंगे, जो भी इसके झाग होता है उसको निकाल देंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला डालूंगी। चलिए देख लेते हैं, दाल में बॉयल आ गया है। अब मैं इसके किनारे किनारे जो इसका झाग है थोड़ा बहुत, इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, सारे झाग मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। अब इसकी लीड को कवर कर देंगे और इसमें दो सीटी हाई फ्लेम पे करेंगे और 5 मिनट लो पे करेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देख लेते हैं चावल को। चावल के पानी को मैंने बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटी मैंने लिया है बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल में बॉयल आने देंगे। 99% हम कुक कर लेंगे इसको। उसके बाद में इसके पानी को निकालूंगी। चलिए ढक देते हैं इसको। ये देख लेते हैं, ये देखिए चावल मेरा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसके पानी को मैं स्टेनर में छान दूंगी। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, चावल को मैंने अच्छे से स्टेनर में छान दिया था। अब मैं उसी भगोने में इसको फिर ट्रांसफ़र कर दूंगी, जो भी चावल मॉइस्चर है जो कुछ भी है अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चावल थोड़ा गीला गीला सा लगने लगेगा आपको। और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। चावल मेरा देखिए कितना खिला खिला हुआ है। अब इसको बंद कर देंगे, 10 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, दाल मेरी बहुत अच्छी हुई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ठीक लग रही है मुझे। बस आपको जैसी करने से पसंद है वैसी आप रखिए, पतली पसंद है या। चलिए अब इसका मैं तड़का लगा दूंगी। थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। ये मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून प्योर घी, क्योंकि जब भी तड़का लगाइए तो प्योर घी में लगाइए। अगर आपके पास नहीं हो तो ऑयल में लगाइए। अब मैं इसमें डाल दूंगी, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 1/2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने राई,
एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, दो लिया है लौंग, दो लिया मैंने लहसुन, अब मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने एक छोटी प्याज लिया था उसको आधे में मैंने ये आमलेट कट काट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का लगेगा। प्याज मेरी गोल्डन होने वाली है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, एक छोटा टमाटर मैंने लिया था जिसको भून लिया और उसके ऊपर की जो परत है उसको मैंने निकाल दिया है। गैस को क्लियर से लो रखिएगा। जब आप इसको चूल्हे पर भून कर टमाटर इसमें डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं दाल बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसमें डाल देंगे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया था। अगर आप मसाले वाली सब्ज़ी बनाए हैं तो उसके ऊपर का थोड़ा सा इसमें तीरा भी डाल दीजिए तो और अच्छा टेस्ट आता है इसमें। एक बार इसको बनाइएगा ना तो बार बार आप इसको बनाएंगे, इसी तरह से दाल बनाएंगे आप। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, लो फ्लेम पर मैंने बनाया है, अब लो मीडियम कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। आप धनिया नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर डालिएगा तो बहुत अच्छा। अब मैं दाल में इसको डाल दूंगी। आप जब भी तड़का डालिए दाल में तो दाल हमेशा गर्म होनी चाहिए, ठंडी दाल में मत डालिएगा। ये देखिए अब इसको बंद कर देंगे, 5 से 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी मज़ेदार सी मेरी दाल बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आपको देखने में भी लग रहा होगा, ये खाने में भी वैसी ही है। और चावल भी मेरा देखिए बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप किसी गेस्ट के सामने चावल कर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए, जिसका मन नहीं भी करेगा ना तो वो खा लेगा, उसको मज़ा आ जाएगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसको बनाइए और ज़रूर मेरे कमेंट्स करिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।